जी अब हम डिस्कस करने लगे हैं मल्टाई चैनल रिटेलिंग तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जिस तरीके से इसके नाम से जाहिर है कि देन इस केस के अंदर रिटेलर जो है वो मल्टाई चैनल यूज़ कर रहा होगा अपने आप को अप्रोच कराने के लिए टू द एंड कंज्यूमर यहाँ पर बहुत आसान तरीके से मैंशन है अ रिटेलर सेल्स प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर यूजिंग डिफरेंट सेल्स फॉर्मेट्स दैट कैन बी ऑफ द लाइन दैट कैन बी ऑनलाइन वो फिज़िकल स्टोर भी हो सकते हैं वो ओवर द इंटरनेट भी हो सकते हैं वो कोई वेबसाइट भी हो सकती है जब हम मल्टी चैनल रिटेलिंग की बात करते हैं सो देर इज़ अ मल्टी चैनल रिटेलिंग स्ट्रेटजी बाय नॉर्मली एवरी रिटेलर और वो क्या है कि बेशक वो एक पर्टिकुलर कस्टमर अगर प्रोडक्ट बाय कर रहा है परचेस कर रहा है फ्रॉम द स्टोर या वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा होगा फ्रॉम दी वेबसाइट या वो प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहा होगा किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्टिव टेलीविजन के थ्रू या वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा होगा कैटलॉग के थ्रू या वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा होगा मे बी मैसेंजर के थ्रू आज के दिन में इज वेरी मे बी वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा होगा वी चैट के थ्रू सो so, ये वो सारी तरह से डिफरेंट सेल्स फॉर्मेट्स हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कैटलॉग इज़ ऑलसो वन ऑफ देम वेरी फेमस इन यूरोप ये वो सारे सेल्स फॉर्मेट हैं नॉर्मली जो कि एक मल्टा चैनल स्ट्रेटजी के, के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और एक रिटेलर का क्या ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर को उसने कन्वीनियंस देनी है कस्टमर को उसने प्रोडक्ट को सेल करना है और सबसे आसान क्या है कि जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट तरीक़ेक है वो रिटेलर ऑप्ट करे ताकि कस्टमर उसको चूज़ करे एज़ हिज़ फर्स्ट चॉइस नॉर्मली कंपनीज का कोई ना कोई एम होता है तो मल्टाई चैनल रिटेलिंग के ऊपर एक बड़ा क्लियर एम उनके पास है सबसे पहले रेवेन्यू को इंक्रीज करना बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कस्टमर अगर कन्वीनियंटली किसी स्टोर को विजिट नहीं कर सकता हाउ एवर ही हैज़ इंटरनेट एक्सेस वो ऑर्डर को प्लेस कर सकता है अपने घर में बैठे हुए इसका मतलब ये है कि कंपनी इज़ यूजिंग मल्टाई चैनल स्ट्रैटेजी मल्टाई चैनल रिटेलिंग तो इस केस के अंदर वो कस्टमर को एक्सेस दे रहा होगा ऑर्डर करने का थ्रू ऑनलाइन तो उसके पास रेवेन्यू अचीव करने का एक और तरीके कार हो गया क्योंकि अदरवाइज़ वो सेल लॉस हो गई थी सो so, इस तरीके से कंपनी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है रेवेन्यू को इंक्रीज करना दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड करना लॉयल्टी को बढ़ाना किस ना किसी तरीके से कस्टमर के साथ कनेक्ट रहना कस्टमर इंगेजमेंट को इम्प्रूव करना ये वो नॉर्मल मेजर ऑब्जेक्टिव है क्योंकि अल्टीमेटली अगर कस्टमर कन्वीनियंस फील कर रहा होगा कस्टमर कंफर्ट फील कर रहा होगा कस्टमर जो है वो कनेक्ट फील कर रहा होगा आपके बिज़नेस के साथ तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगा और कस्टमर अगर आपको ऑर्डर करता है प्रोडक्ट्स आपसे परचेज़ करता है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कि उसने बिजनेस को रेवेन्यू को इनक्रीज़ करना है तो वो बिल्कुल इनक्रीज़ हो जाएगा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर आप सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर हैं लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल कि पाकिस्तान में भी देर कैन बी सिचुएशन जिस तरह अमेजॉन था इंटरनेशनली अगर बात करते हैं तो इट वॉज ओनली एन ऑनलाइन स्टोर बट देर दे आर वर लॉट ऑफ कस्टमर्स के जहाँ पर हु डिड नॉट हैव द इंटरनेट एक्सेस इसका मतलब ये है कि वो तमाम कस्टमर्स अमेजान के कस्टमर्स नहीं थे तो अमेजान ने उसके ऊपर क्या किया अमेजोन ने उसके ऊपर बड़ा आसान सा काम किया अब रिसेंटली आपने अगर आपने नोटिस किया हो तो उन्होंने अपना ब्रिक एंड मोटर स्टोर ओपन कर लिया फ़िजिकल स्टोर ओपन कर लिया है उससे बेनिफिट ये हुआ नाउ वो तमाम कस्टमर्स जो के शायद किसी एक चैनल के थ्रू बाय नहीं कर पा रहे थे नाउ दे इज एज प्रॉबेबिलिटी दैट देख कुछ एग्जाम्पल जिस तरह अमेजॉन की एग्जाम्पल मैंने भी आपके सामने रखी है जेसी पेनिंग की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इज यूजिंग मल्टा चैनल रिटेलिंग डिफरेंट तरीके से स्टोर्स के थ्रू ऑनलाइन के थ्रू कैटलॉग्स के थ्रू मैसेंजर के थ्रू वी चैट के थ्रू और डिफरेंट तरीके से दे आर कनेक्टेड विद द कस्टमर इसी तरीके से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बाटा की एग्जाम्पल मैंशन है और खाडी की एग्जाम्पल और निशाद की एग्ज़ाम्पल और कैन बी एनी अदर एग्जाम्पल नॉर्मली अगर मैं अभी बात करता हूँ तो ज़्यादातर टेक्सटाइल सेक्टर ज़्यादातर शूज सेक्टर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइंस सेक्टर ही अभी मेजरली मल्टा चैनल रिटेलिंग की तरफ पाकिस्तान में मूव हुआ है क्योंकि इंटरनेशनली भी यही ट्रेंड देखा गया है कि ज्यादातर यही वो चैनल हैं जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बिजनेस नजर आएगा जो कि कनेक्ट करता है कस्टमर को थ्रू मल्टी चैनल कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल स्पेसिफिक हैं कि जहाँ पर मल्टा चैनल की बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है लेकिन इस केस के अंदर अगर लेट्स से बाटा की एग्जांपल की बात करते हैं खाड़ी की एग्जांपल की बात करते हैं सो दे हैव फिजिकल स्टोर्स आल्सो ब्रिक एंड मोटर मॉडल को भी फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा क्लिक एंड पे मॉडल को भी फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे पास और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं इवन फार्मेसी की एग्जांपल है इवन हमारे पास अगर आप बात करते हैं रूटीन की तरफ जाना जाता हैं तो आप आज के दिन बुक्स का सोल्यूशन भी मौजूद है वेर यू कैन बाई ऑर्डर एंड देन यू कैन गेट दैट प्रोडक्ट टू योर हाउस और यू कैन विजिट अ स्टोर एंड देन यू कैन बाई दिस इंटरेक्टिव टेलीविजन के ऊपर बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि सेल कर रही हैं

अच्छा पहले ये इन जनरल समझा जाता था मैं इस बात को समराइज़ करता हूँ कि पहले इन जनरल समझा जाता था कि शायद एक्सपेंसिव तरीका ही सूट करता है कस्टमर को अप्रोच करने का या फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन टू यूज़ टू कनेक्ट कस्टमर अगर आप टेलीविज़न के मीडियम को इस्तेमाल करते हैं तो ही शायद कस्टमर बेहतर कनेक्ट होता है लेकिन आज के दिन में मल्टाई चैनल स्ट्रेटी के थ्रू यू कैन यूज़ एज इफ़ेक्टिव चैनल जो कि ईजीली कस्टमर को हम कनेक्ट कर सकें और उसको अप्रोच कर सकें